जतिन गोस्वामी के पास सीधा लेकर चलते हैं, जहां पर जतिन गोस्वामी किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, उस पर क्या रुख है किसानों का? देश की सर्वोच्च अदालत है, उस पर आप लोग विश्वास जाहिर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो हो रहा है उस पर क्यों ना आप ध्यान दें, जो बीत चुका उस पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? देखो, जो हो रहा है कमेटी बनाई है उसने, हम तो जो पॉइंट हमारे तब थे वही कमेटी है इनकी, जो वहाँ थी हमारे, क्योंकि रोक लगा दी तो अब तो वो लागू ही नहीं होगा, कमेटी को हम दे देंगे, अब तो वो लागू ही नहीं होगा ना भाई, लागू क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट का तो हमारे गन्ने में कई बार कह लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका ब्याज सहित पेमेंट मिलेगा, आज तक नहीं मिला, कौन मान रहा है सुप्रीम कोर्ट की जगह पर 14 महीने हो गए पेमेंट नहीं आया। ये समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर रहे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये क्या कर दे इसका, क्योंकि अब कमेटी करेगी, देखिए सरकार की भूमिका खत्म हो गई, अब कमेटी करेगी, कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा एक बात बताओ, जिसको हम 3 महीने से जिनसे मीटिंग कर रहे हैं वही तो कमेटी में है आएंगे, और कोई ये कमेटी तो यही गलतफहमी हम लगातार दूर करना चाहते हैं। सीजेआई ने कहा है कि वो अपनी कमेटी बना रहे हैं, और उस वो जो बनाएंगे कमेटी, जो लोग वो कहेंगे वो होंगे, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। देखो, जो मांग हमारी पहले थी, जो बिंदु हमने दिए हैं, कोई बिंदु तो फिलहाल मतलब हटने को तैयार नहीं है। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे, नहीं अभी नहीं जाएंगे। देखिए, आप सीधे तौर पर यहाँ किसानों को सुन सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार शायद कहीं कोई और दूसरा एफिडेविट, कोई पेच ना इसमें लगा दे। ठीक है, जतिन के पास लौटेंगे। आपको बता दें, तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लग चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे रिपोर्टर जायजा ले रहे थे, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमें विश्वास ही नहीं है, हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, हमारे जो मांगे हैं आज भी बरकरार है। इस पर राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। ये कहा है कि ये जो पूरी कमेटी है, क्योंकि हमें एक जो स्थिति है उसको क्लियर करने की जरूरत है, अभी नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी, कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी, उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। को आप सुन रहे थे, 26 जनवरी को लेकर जो प्लान तैयार था किसानों का, उसी पर वो आज भी अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें, जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, इसके बाद भी हटने को तैयार नहीं है बॉर्डर से किसान। तो कोर्ट ने कानूनों को लेकर एक बड़ा फैसला सुना है, अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून लागू नहीं होंगे, अभी फिलहाल इस पर स्टे है, रोक है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी का भी गठन करने की बात कर रहा है, कमेटी को लेकर भी कहीं ना कहीं नाखुश किसान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कमेटी से मतलब नहीं है, हमें चाहिए कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि जिनसे मीटिंग अब तक चल रही है, जो भी वार्ता अब तक हुई है, कमेटी में वही लोग शामिल होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, किसानों की तरफ से कहा गया है। अगले आदेश तक कानून के अमल पर हालांकि रोक लग चुकी है, लेकिन अभी इस पर असमंजस की स्थिति किसानों के बीच में बनी हुई है, उनको सरकार पर विश्वास नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर उनका पूरा भरोसा है, आज एक बड़ा फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर, क्योंकि अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून लागू नहीं होंगे, अभी इस पर स्टे है। कमेटी का भी गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर भी अभी विचार विमर्श चलेगा, कौन कौन से नाम इसमें शामिल होंगे। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, इस पर क्या रुख है किसानों का, वो भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 4 सदस्यीय कमेटी इसमें कमेटी में आपके लोग शामिल होंगे, और प्रमोद जोशी को भी कमेटी में शामिल कर दिया गया है। कौन कौन से ये नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। तो पलवल से नितिन शर्मा।